लौकर करिए। हाँ ये तो पापा। आज तो तू हद्दच पार केलीस। अहो आता कायमचा निघून जाय घरातून।
आम्ही समजू तू आमच्यासाठी मेला आहेस.
चल मैं आज तुझे तैयार करती हूँ। आज से तेरा नाम दुर्गा। चल जा। आए मुन्ने के अब्बा, मुन्ने हुई है ना, बधाई लेने आई हूँ माँ, बेटा बधाई दे दे। आए रे लल्ला आजियो जियो रे लल्ला, आए रे लल्ला आजियो जियो रे लल्ला, आए रे लल्ला आजियो जियो रे लल्ला, आए रे लल्ला आजियो जियो रे लल्ला। मेरे घर आया बाल गोपाल की जुग 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 रे लल्ला, मेरे घर आया बाल गोपाल की जुग जुग जियो रे लल्ला। अम्मा नटो वाला बंडल निकाल के जुग जुग जियो मेरा लाल, अम्मा नटो वाला बंडल निकाल। काम आएगा। हाय हाय भैया, चल 2 रुपए निकाल। चल भाई सुबह की बोनी कर। तेरे बाल बच्चे सलामत रहे। छोटो 2 रुपया देना रे। अरे छुट्टी नहीं है मेरे पास। क्या कंजूसी करता रे, इसके लिए भगवान ने तेरे को बनाने में कंजूसी किया। लेकिन चल मैं तेरे को दुआ करती हूँ, तेरी हाइट बढ़े लेकिन अगले जन्म में। ए बाबू 2 रुपए देना रे। ए बाबू ए ए ए रुक, क्या जवानी फूट रहे रे दादा, किधर हाथ लगाए रे तू? क्या लगाए तो क्या लगाए तो क्या, तेरे घर पे क्या माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है रे, लेकिन तेरे जैसे कोई नहीं है ना। भूत बोलते है रे तू, तेरे के भी तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तेरे हाथ को लकवा मारे, तेरे को ना मेरी ऐसी औलाद पैदा हो। एक बात पूछूं दीदी? पूछना दुर्गा। आपने उस लड़के को शाप क्यों दिया? अच्छा उसको, वो तो ऐसे ही गुस्से में बोल दिया था, छेड़ जो रहा था मेरे को। कुछ नहीं, दिल से नहीं दी थी। ऐसे लोगों को ना डराने के लिए ऐसे बोलना पड़ता है, होता कुछ नहीं उससे। छोड़ना। आज तुझे अकेले जाना है। हम्म।
ए मावशी 2 रुपये दे ना, आताच देणे अकेला काय कशी करते. हाय हाय दादा 10 रुपये देना. 10 रुपये दे. सुनना 100 रुपये देखो चलना जाएगी. ए अरे सुन ना जाएगी ना चलना. सुन अरे सुन ना ले एक सुन. ए 10 रुपये देना. क्या रे तुमको कुछ काम धंधा है नहीं क्या? हाँ लगे काम करो कुछ. ऐसा क्या पेड़ पे उग रहा है क्या? चल ही तर भीती आहे. ही इथे का उभी आहे? चल कितना देगा? बोलेगी उतना दूंगा. चल दुर्गा आज तुझे तैयार नहीं होना है? नहीं अम्मा, आज से मैं ये काम नहीं करूंगी. सगळं खोटं जीवन जगते मी. अब मुझसे ये नहीं होगा. मैं भी एक इंसान हूं. मेरी मां ने भी मुझे 9 महीने अपने पेट में पाला था. मैंने भी मां का दूध पिया है और मेरा खून भी लाल है. मैं तो फिर भी पढ़ी लिखी हूं, तो ये सब क्यों करूं?
मुझे भी और लोगों के जैसे समाज में सर उठाकर जीना है, मुझे भी कुछ अच्छा काम करना है। हम सब एक है ना अम्मा, हमें भी हमारे हक है ना। मैं बाकी कुछ भी कर सकती हूं मगर ये काम नहीं करूंगी। कौन देगा तुझे काम? हाँ बता, कौन देगा तुझे काम? तेरे जैसे अपने हक के लिए लड़ने वाले इस दुनिया में बहुत है, लेकिन हर किसी को सफलता नहीं मिली। तुझे आखिर हार कर यही आना है और यही सब करना है। हाँ मुझे भी नहीं अच्छा लगता ये सब करना, लेकिन इसके लिए करना पड़ता है। आपण तर सुरुवातच नाही करत, पण कोणीतरी केली पाहिजे ना। मी करणार ती आणि ह्या जगाला दाखवून देणार की आम्ही कुठे कमी नाही। मी लढणार आपल्या हक्कासाठी। चंद बड़ा है वो दिल में आस दिए, अपने अंधेरे में अपनी लाश दिए। हाँ सर हो जाएगा, कल उनका काम हो जाएगा। हाँ सर कितना चाहिए आपको? 15। ओके साहब। हाँ सर आप क्या हो जाएगा, काम मिलेगा क्या? बन सर ना, बन सर। क्या है सर, काम की जरूरत है? कुछ भी काम कर लूंगा। अच्छा इंटरेस्ट रेट आपका 9.5 लगेगा। हाँ उसके हिसाब से आपका हफ्ता लगेगा 10,500। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा बिंदास, कोई टेंशन नहीं। रजिस्ट्रेशन करना कर लो बिंदास, बिंदास मैं हूँ साहब। हाँ साहब कुछ क्या है बोलो ना यार साहब। अरे यार ये 10 रुपये ले लो तो निकल जा सकते। Thank you.
पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहात ती व्यक्ती सध्या व्यस्त आहे. आपण ज्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहात. चल पडा है वो दिल में आस लिए अपने कंधे पे अपनी लाश लिए. वो ढूंढता है मोहब्बत अपनी मन में खिलते हुए पलाश लिए. हम सब है तेरे साथ ते ही मरे पर्यंत. दुर्गा हम सब एक साथ रहेंगे हंसेंगे खेलेंगे झगड़ा करेंगे लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे. और हां हम लड़ेंगे हमारे अस्तित्व के लिए हमारे हक के लिए जिस तरह से तू लड़ रही है. और हां जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता तब तक हमें हमारे पेट के लिए कुछ तो करना ही होगा. जाओ तैयार हो जाओ. भगवान ने हमें जो जिंदगी दी है उसे हम शाप नहीं वरदान समझ के जिएंगे. हे बाबू पैसा देना. हे चिंतन जी कोई बात नहीं जुग जुग जी है. हे बाबू 10 रुपए देना. फिर आइएगा. धंधे में बरकत हो तेरी. जोपर्यंत यांना यांची हक्काची कावा मिळत नाही तोपर्यंत असं सगळं चालत राहणार आणि त्यासाठी आपण सगळे जबाबदार आहोत. कदाचित त्यांनाही असं करायला आवडत नसेल. त्यांना सुद्धा भावना असतात त्यांनाही नातं आहे तेही समाजातील घटक आहेत. हिजडांना शाप आहे ना वरदान तेही आपल्यासारखेच आहेत आपल्यातले आपले.